दिल्ली की प्रदूषित हवा ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, लोगों का सांस लेना मुश्किल है दिल्ली में। अभी हम आपको दिखाएंगे अक्षरधाम से क्या धुंध कितनी है, तो आप देखेंगे। ये देखिए, दूर तक अक्षरधाम आपको नज़र कहेंगे कि थोड़ा कम नज़र आ रहा होगा, क्योंकि धुंध ने दिल्ली को घेर रखा है हर तरफ से, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण इतना बढ़ चुका है कि अब लोगों के लिए सुबह सुबह निकलना भी मुश्किल हो रहा है। लोगों को सांस की दिक्कतें शुरू हो गई हैं। इसकी वजह से तमाम लोग ऐसे हैं कि हॉस्पिटल्स में बहुत से लोगों को जाना पड़ रहा है, बहुत से लोग एडमिट भी हो रहे हैं, क्योंकि सांस संबंधी जो रोग हैं वो लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं, खासतौर से उन लोगों को जो लोग पहले से कहेंगे जिनको सांस की दिक्कतें हैं, वो इस मौसम में उनको ये समस्याएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, वो भी अगर इतना प्रदूषण हो तब तो और भी ज़्यादा दिक्कत होगी। अब हम आपको आज बताते हैं सबसे पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। तो हम सफ़र ऐप पर जाएंगे और हम दिखाएंगे आपको आज दिल्ली का जो है एयर क्वालिटी कैसी है। तो देखिए, मैं सफ़र पर जाकर देखूँगी दिल्ली ओवरऑल पर, हम क्लिक मारेंगे तो देखेंगे 373, ये देखिए 373 बता रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, मतलब कहेंगे कि बहुत ख़राब है दिल्ली की एयर क्वालिटी जो है, बहुत ही ख़राब श्रेणी में आती है। इसके अलावा हम अगर दिल्ली के अलग अलग इलाकों की बात करें तो हम यहाँ पर जाएंगे मथुरा रोड देखेंगे, तो मथुरा रोड देखिए कितना दिखा रहा है 387, ये भी बेहद ख़राब श्रेणी है 387। और दूसरा हम देखेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी का, हम देखेंगे वो कितना दिखा रहा है, तो उस पर भी जाकर देखेंगे तो वो आता है 405, देख रहे हैं आप 405 है, मतलब ये सीवियर कैटेगरी में आ गया है अब। तो दिल्ली के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ख़राब है और सीवियर कैटेगरी में पहुंच चुका है। इसी तरह से हम समीर ऐप पर जाकर अगर आनंद विहार का चेक करते हैं, हम समीर पर जाएंगे जो कहेंगे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से इस पर डेटा जारी किया जाता है, तो इस पर हम जाकर देखेंगे दिल्ली वाले उस पर कि यहाँ जो आनंद विहार का है, क्योंकि वहाँ पर कई दिनों से 400 से ज़्यादा ही वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स है, तो हम इसमें आनंद विहार का देखेंगे तो वो कितना दिखा रहा है, वो दिखा रहा है हमें 439, आनंद विहार है वो नीचे 439, ये देखिए ये यहाँ से ये 439 है। तो ये स्थितियाँ हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना ख़राब है, सबसे ज़्यादा अगर ख़राब है तो वही आनंद विहार का है, और हमें आपको जैसा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का दिखाया वहाँ का भी बहुत ख़राब है। तो कहेंगे दिल्ली की जो हवा है वो इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, इसीलिए जो ग्रैप है, जो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है, उसका तीसरा चरण लागू कर दिया गया है। इसकी वजह से जो औद्योगिक जो इकाइयां हैं जो वहां पर अब से 5 दिन काम होगा, 2 दिन अवकाश रहेगा, क्योंकि पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि ग्रैप का तीसरा चरण लागू करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर से ही ग्रैप लागू कर दिया गया था और अब तीसरा चरण भी शुरू हो चुका है। तो इसमें कहेंगे कि तीसरे चरण में ये भी है कि कहीं पर भी खुदाई नहीं हो सकती है, या इस तरह के जो भी काम है जिससे धूल उड़ती है या जिससे पोल्यूशन बढ़ सकता है, ऐसे सभी काम रोक दिए गए हैं। देखते हैं इसका क्या असर होता है, लोग तो बस इसी इंतज़ार में हैं किसी भी तरह से दिल्ली की हवा कुछ तो साफ़ हो। कैमरा पर्सन मनीष के साथ में शालिनी वाजपेयी।